भी यही कह रहे हैं, ये एक अभी रिसेंट जो जजमेंट आई है उसमें या फैसला आया है, एक बेल रिजेक्ट करते हुए ये कहा गया है। मगर इसमें अहम बात ये है कि यही बात हम कह रहे हैं और यही बात हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, पॉलिटिकल मास्टर्स जो कि होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, उनके इशारे पर ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी लॉन्च की गई है जिसमें ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को, जो कि खास तौर पे मुस्लिम महिलाएं जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको किसी भी तरीके से ख़त्म करने के लिए ये साजिश रची गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। जिसमें ऑफ कोर्स सीसीटीवी कैमरास भी तोड़े गए हैं, बहुत से पुलिस पूरी तरीके से अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप जो होम मिनिस्ट्री में बैठी है उसके दबाव में जो पुलिस के ऑफिसर्स थे वो काम कर रहे थे। अभी जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तो जो भी सबूत पुलिस इकट्ठे करके चार्जशीट में डालती है, जिस तरीके से भी सबूत इकट्ठे करके पुलिस चार्जशीट में डालती है, वही अदालतों के सामने आएंगे। अगर पुलिस इस तरह के बयान इकट्ठे करेगी सबूत के कि ये मुस्लिम्स की तरफ से ऐसे हुआ था, और सारी इन्वेस्टिगेशन तो इसमें इसी तरीके से स्लांट करके की जा रही है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को दोषी ठहराया जाए इसमें, हालांकि सबसे ज़्यादा मृत्यु 50-53 में से 40 से भी ज़्यादा मृत्यु मुस्लिम कम्युनिटी की हुई है, जो 80 या 90% जो मकानात जले हैं वो और दुकानें जली हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी की हैं, और जितने भी धार्मिक स्थल जले हैं वो सब मुस्लिम कम्युनिटीज़ के हैं जो जलाए गए हैं या तोड़फोड़ की गई है। जितने घायल हुए हैं वो सबसे ज़्यादा 80-90% मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस एक ख़ास तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे, इसलिए इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन जो काम हम और हमारा ऑफिस कर रहा है वो इसी चीज़ को उजागर कर रहा है कि दिल्ली पुलिस की भूमिका किस तरह की रही है इसमें। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हुए हैं और उनके ऊपर हमले हुए हैं उसकी एक भी फुटेज नहीं न पुलिस रिकॉर्ड पे ला रही है, हम लोगों को लानी पड़ रही है जो प्राइवेट तरीके से इस्तेमाल है। और यहाँ दिल्ली सरकार का रोल भी एक बहुत ही मशकूक है कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर है, मतलब पीडब्ल्यूडी के अंडर है ज़्यादातर, तो दिल्ली सरकार भी वो कोई भी सीसीटीवी फुटेज जो कि मुसलमानों के साथ ज्यादतियों को दिखाती है वो मुहैया नहीं करा रही है कोर्ट में। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको सोच समझ के ही हमें अपना कोई ओपिनियन बनाना चाहिए। आज के संविधान के तहत जो अदालतें बनी हैं और जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं बहुत ज़्यादा आजकल कमज़ोर हो चुके हैं। इस बात को तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद बोला भी था, और देश की जनता से ये गुजारिश की थी कि वो आएं और सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दबाव में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, संविधान और कानून के तहत चल के मुश्किल ज़रूर हो गया है, लेकिन अगर पूरी ताकत लगा के मेहनत से काम किया जाएगा और जहानत से काम किया जाएगा तो इंसाफ मिलेगा। अब भी हम लोगों के केसेस में भी आप देख रहे हैं, जो हमारा ऑफिस कर रहा है केसेस उसमें पुलिस के ऊपर अब आप जुर्माने लगते देख रहे हैं, पुलिस के खिलाफ ये टिप्पणियां देख रहे हैं कि आप जो जो मुलजिम हैं यानी कि जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं उनको बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये डायरेक्शंस मिल रही हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए,